हेलो वाइज वेलकम टू द न्यू वीडियो सो आज हम बनाने वाले हैं पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट का नाम है इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम कम्प्लीटली फ्री है कोई चार्जेस नहीं देना है आपको बस आपको स्टेप्स फॉलो करने और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने सिस्टम पर क्या करना है आपने सबसे पहले अपडेटगढ़ डॉट कॉम पर चले जाना है इस साइट पर जाने के बाद आपने क्या करना है या तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं पाइथन प्रोजेक्ट पर आई थिंक यहाँ पर अपडेट नहीं किया मैंने तो आपने क्या करना है इसमें आपको ब्लॉग्स दिखेंगे यहाँ पर ठीक है ब्लॉग्स पर चले जाना है फिर ब्लॉग्स पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है या फिर आपको ऐसे अगर न्यू अपडेट्स नहीं होंगे जब तक कोई प्रोजेक्ट तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम का आपने क्या करना है इसको यहाँ पर सर्च कर लेना है अगर आप लेट से वीडियो देखोगे तब तक यहाँ पर काफ़ी और प्रोजेक्ट आ चुके होंगे तो आपने इसको सर्च कर लेना है यहाँ पर क्या आप सर्च कर दोगे तो आपको पहले नंबर पर ही आ जाएगा आपका इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इसको ओपन करना है तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है कैसे रन करना है अपने सिस्टम पर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको और आप अपने सिस्टम पर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है डाउनलोड भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं ठीक है थीके? आपने सबसे पहले क्या करना है इसमें आप रिपोर्ट अगर बनाओगे इसकी तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई है अबाउट प्रोजेक्ट क्या है ठीक है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपकी हेल्प कर देगी प्रोजेक्ट्स को बनाने में सबसे पहले हमने क्या करना है स्टेप्स रन uh, करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर पाइथन एंड जेंगो होना चाहिए तो पाइथन के लिए आप क्या कर सकते हो कमांड एंटर चेक करके ठीक है और उसका पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हो मतलब ये होनी चाहिए ऑलरेडी आपके सिस्टम पर पाइथन आईफन भी ही। मैंने निकलट डाल दी इसको बाहर निकलते हैं यहाँ से पाइथन हाइथन वर्जन वर्जन एस आई ओ एन ओके इसका आई थिंक मैं इसकी कमांड भूल गया हूँ पाइथन वर्जन चेक करने की तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है पाइथन वर्जन चेक करने के लिए आपके सिस्टम पर होनी चाहिए पाइथन यार कमांड तो यही है बट मैं कुछ स्पेल मिस्टेक कर रहा होगा आई थिंक हाँ ये अब चल गई फायफन वी हाँ ये पाइथन का थ्री पॉइंट टेन वर्जन है मेरे पास ठीक है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ और ये इसका वर्जन चेक करने के लिए मतलब मैं इसको ज्यादा वर्जन चेक नहीं करता तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं कि वर्जन एग्जैक्टली exactly कैसे चेक होगा ये पाइथन का वर्जन है हमारा तो आपके सिस्टम पर मेन ये है कि पाइथन होनी चाहिए वर्जन जो भी हो वो आप उसको अपडेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग मेरा मेन काम है यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट चला के दिखाना है और कैसे इसको सेटअप करना है पहले अनजिप करना है प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अनजिप करना है डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी आपको पता लग जाएगा वीडियो के अंदर पहले आप उसका सेटअप देख लो कैसे कैसे करना है आपने सबसे पहले अनजिप कर लेना है जो भी आप डाउनलोड करोगे प्रोजेक्ट को तो आपको ऐसा मिलेगा प्रोजेक्ट फिर आपने उसको क्या करना है अनजिप कर लेना है ऐसे अनजिप करके राइट क्लिक करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट हेयर या, या फिर एक्सट्रैक्ट फाइल्स जहाँ पर आप भी आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ तो यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट किया हुआ ठीक है फिर उसके बाद क्या करना है हमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेविगेट टू द प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ओपन टर्मिनल एंड इंस्टॉल द डिपेंडेंसी बाय रनिंग द फॉलोइंग कमांड फिर आपने क्या करना है कि आपने फोल्डर को ओपन करना है फिर टर्मिनल ओपन करना है और जो भी डिपेंडेंसी है उसमें नीचे लिखी हुई है कमांड्स के थ्रू उसको इंस्टॉल करनी है आपको स्क्रीन शॉट भी मिल जाएगा यहाँ पर कैसे इसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है जिसमें आपका फोल्डर्स जिसमें आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मतलब कि जैसे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है तो मैं इसको वी कोड के ओपन कर लेता हूँ इसको वी कोड के थ्रू तो मैं मैनेजर वाली फाइल ओपन करता हूँ तो डायरेक्टली मेरी वी कोड के अंदर ही ओपन होगी फिर यहाँ पर जाऊँगा मैं एक्सप्लोर फिर ओपन फोल्डर तो ये ऑटोमेटिकली मेरा फोल्डर दिखा देगा वही वाला फोल्डर जो मेरे के अंदर जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो ये पूरा फोल्डर आ चुका है अपना यहाँ पर ठीक है अब मैंने टर्मिनल के थ्रू कमांड चलानी है तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना न्यू टर्मिनल्स तो ये अपना टर्मिनल ओपन हो चुका है और मैं उसी फोल्डर के अंदर ने नेविगेट ने भी हो चुका हूँ जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट्स पड़ा हुआ है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नेविगेट करना है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ओपन करें टर्मिनल को एंड इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसी को बाय बाई रनिंग फॉलोइंग कमांड्स पहली कमांड है हमारी ये पाइथन आईफन एम पी पी सोल रिक्वायरमेंट टेक्स्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड देन इसको अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर देना है सिंपल एंड देन प्रेस कर देना है तो आई थिंक मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी से पड़ी हुई है आ, आ, आ. जस्ट मिनट हाँ आई थिंक मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है सभी चीज़ें तो इसलिए इसको किसी ने कोई भी फाइल्स ने इंस्टॉल नहीं करी है बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा आपके केस में इंस्टॉल करेगा सभी फाइल्स को तो मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो इसलिए इसने किसी को भी नहीं दिखाया कि कैसे ये फाइल्स रन होने वाली है कैसे डाउनलोड होगी बट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर कि जब आप ये वाली फाइल्स को कमेंट करोगे ना मतलब जब आप इस वाली फ़ाइल्स को पाइथन हाइफन एम वाली फाइल्स को, को एग्जीक्यूट करोगे इस वाली फ़ाइल्स को इस वाली कमांड को तो ये सारी फ़ाइल्स आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके सिस्टम के अंदर फिर और इसमें डेमो वीडियोस भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं उसको कि कैसे जब आप इसको फाइल कमांड को लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आपने ये वाली कमांड चलानी है ये भी ऑलरेडी चलाई हुई है तो इसको भी ऑलरेडी दिखा देगा कि ऑलरेडी हो रखी है ऑलरेडी सेटिस्फाइड तो ये भी ऑलरेडी चली हुई है फिर ये माइग्रेट एंड देन रन सर्वर तो इनकी भी आ, आ, आप इनको कैसे एग्जीक्यूट करना ये भी इस फाइल के अंदर है इस वीडियो के अंदर आप इसको पूरा चेक कर लेना जब आप कैसे सभी सभी कमांड्स uh, को आपने रन करना है इन वीडियोस के अंदर मैंने दिखाया हुआ है तो मैं लास्ट वाली रन सर्वर करता हूँ एंड देन रन सर्वर हम इसको स्टार्ट करते हैं आ, आ, आ। हमने रन सर्वर करना है ओके okay, कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया कौन से पोर्ट पर एट पर और आई थिंक मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ यही पोर्ट नंबर लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एंड में आप देखोगे तो आपको ऐसे रन करके इस पर क्लिक कर लेना है और ये आपको ऑटोमेटिक कहाँ पर ओपन करके देगा आपके पोर्ट नंबर पर आपको स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया है और आपने इसको रन भी कर दिया अब आप इसको चेक कर सकते हो कि आपने इसको कैसे और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम ऐसी पाइथन जावा पी काफ़ी मल्टीपल्स लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और अभी जावा को हमने स्टार्ट किया हुआ है तो हम जावा के जावा के कोर्सेज को अभी पंद्रह दिन के अंदर हमने ख़त्म किया है तो दो वीडियोस रहती है उसकी भी तो उसकी भी, भी अपलोड हो जाएगी कुछ दिन के बाद जावा के थर्टीन वीडियोज़ हो चुकी है तो जिसने वो नहीं देखी जावा के वो भी जाके चेक कर लेना आप तो इसके बाद हमने ये आप इसको डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं से कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर लेना या फिर आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं कंट्रोल एंड दैन एंटर देन ये ऑटोमेटिकली आपका कहाँ पर ओपन कर देगा आपके ब्राउजर में ओपन कर देगा यहाँ पर जैसे ही ओपन हो गया यहाँ पर तो आप कस्टमर्स एंड एडमिन यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आपके पास कस्टमर्स एंड एडमिन एंड दैन ये इसके फीचर्स है आप इनको यहाँ पर चेक करें बट हम अभी प्रोजेक्ट पर रखते अपने प्रोजेक्ट्स पर कैसे चलने वाला है तो कस्टमर्स यहाँ पर हम फीडबैक सेंड कर सकते हैं अगर हमें फीडबैक सेंड करनी है क्रिएट अकाउंट यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एडमिन के लिए यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के एडमिन को लॉगिन करा सकते हैं एंड देन लॉगिन के लिए हम क्रिएट अकाउंट हम कस्टमर के साइन इन साइन इन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं टेस्ट यूज़र टेस्ट एंड देन फर्स्ट नेम टेस्ट लास्ट नेम टेस्ट मोबाइल नेम एड्रेस टेस्ट प्रोफाइल पिक ओके तो हमने इसको भी लॉग सक्सेसफुल हो चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर तो हमारा यूजर लॉगिन हो चुका है तो यहाँ पर हमारे पास सारे पॉलिसीज़ दिखा रहा है क्योंकि इंश्योरेंस मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में अभी हमारे पास अवेलेबल पॉलिसीज़ पी पॉलिसी कैटेगरीज एंड सी सभी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है हमें ये वाली ठीक है तो अब हमने क्या करना है अप्लाई पॉलिसीज़ के लिए कितनी पॉलिसी पर हमने अप्लाई किया हुआ है कुछ नहीं है हमारे पास हिस्ट्री में क्या है कुछ नहीं है क्योंकि न्यू यूज़र हैं आज क्वेश्चन हम क्वेश्चन आज कर सकते हैं क्वेश्चन हिस्ट्रीज़ तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ नहीं है बट अगर हम एज एडमिन लॉग करते हैं तब हमारे पास क्या होगा हमारे पास सारी ऑप्शंस होंगी इस इंश्योरेंस मैनेजमेंट के और हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एज एम एडमिन हाई आई वॉन्ट टू टू नो अबाउट लोन और मनी कुछ भी मतलब तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी हमें ऐड करना है एंड देन आक्स तो ये हमारा हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर अभी हमारी कोई पेमेंट लोन इंश्योरेंस हिस्ट्री नहीं है तो भी हमारे पास कुछ नहीं होगा तो अगर एज एडमिन हम लॉगिन करते हैं आई थिंक इसका एडमिन एडमिन होगा पासवर्ड ओके आई थिंक इसका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है तो हम इसका पासवर्ड चेक कर लेते हैं इसका पासवर्ड तो यही होना चाहिए था आ आ आ इसका पासवर्ड चेक करते हैं हम हमारा इसका पासवर्ड रहने वाला है डेट आवेज लाइसेंस आ, आ, इसका पासवर्ड आई थिंक एडमिन एडमिन है और आप इसको ट्राई कर सकते हो अभी एग्जैक्ट मेरे को इसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा है बट मैं इसको पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा जो भी होगा तो आप जब इसको ओपन करोगे ना तो ये आपको सारे डेक्सपोर्ट दिखा देगा एडमिन के जितने भी डेक्सपोर्ट हो वो सब चीज़ दिखा देगा और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इंश्योरेंस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिस्टम आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसका पासवर्ड मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूँगा आप माँ से उसको चेक कर सकते हो और आपको कैसे सेटअप करना है कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको इसका लिंक आपको इस वेबसाइट के बॉटम पर ही मिल जाएगा यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो ये प्रोजेक्ट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा और हमारा एडमिन का पैनल कुछ इस तरीके से दिखने वाला है मतलब ये इसके स्क्रीन है एडमिन पैनल के ठीक है आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा एडमिन पैनल क्योंकि अभी इसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तो मैं भी इसका पासवर्ड मैं आपको कमेंट में ऐड कर दूँगा तो आप यहाँ से इसको एडमिन पैनल को ओपन कर सकते हो और उसका पासवर्ड ऐड करके आप इसको चला सकते हो सो so ये था आज का अपना प्रोजेक्ट इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम विद पाइथन एंड जेंगो 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 को अपने यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट है डाउनलोड करो और आप इसको सेटअप करो अपने कॉलेज में दिखाओ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे